किसान भाइयों नमस्कार। ये मेरा खेत ट्रेंच विधि से है और इसमें भी मैंने वही जो मैं आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे कि थायोथोक्साम सल्फर 80% वाला फिप्रोनिल डीएपी एमओपी यूरिया यूज किया, लेकिन मैंने इसमें कीटनाशक थोड़ा डिफरेंट यूज किया। इसमें एक एम्प्लीगो करके दवा आती है जो ऊपर पत्तों पे स्प्रे होती है और उसका भी रिजल्ट मेरे काफी अच्छा लगा। ये गेहूं कटने के बाद का खेत है, मई का बोआ हुआ और ये भी गन्ना एक बार बन चुका है, दोबारा बनने के लिए तैयार है। किसान भाइयों इसमें भी मैंने वही दो बार इसकी निराई गुड़ाई की पावर टिलर से और इसमें दोबारा से जब डीएपी डाला बूस्टर के तौर पर उसने अच्छा काम किया। एम्प्लीगो का भी काफी अच्छा रिजल्ट लगा गन्ने में, आप देख सकते हैं गन्ने का हरा पत्ते की चौड़ाई कितना बढ़िया है, देख सकते हैं पत्ते की चौड़ाई भी और गन्ने की मोटाई भी आप देख सकते हैं। अभी ये कितने दिन का गन्ना है और काफी मोटा हो रहा है और इसमें जो वैरायटी है किसान भाइयों वो कोसा 0238 है जो काफी अर्ली वैरायटी है, काफी फेमस है। और किसान भाइयों इस गन्ने को दोबारा बनने वाला है क्योंकि इतना ये ग्रोथ कर चुका है। मई में बोया था, मई स्टार्टिंग में, मई जून जुलाई अगस्त, अभी किसान भाइयों इस गन्ने को पांचवा महीना शुरू हुआ है और इस गन्ने को मैं केवल ओनली बीज के लिए रखूंगा। किसान भाइयों खेती से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।